नमस्कार, कौटिल्य बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे कोचिंग के संस्थान के बहुत ही मेरे चहेते इस बार रेलवे में ग्रुप डी में इनका चयन हुआ है और मैं चाहता हूं कि इनको जो है मिठाई खिलाकर इनका स्वागत किया जाए। हाँ, नीरज जी हैं, नीरज तिवारी। देखिए, बहुत ही मेधावी छात्र हैं, शुरू से जो है ये मेहनत कर रहे थे और हमारे यहाँ जो है तैयारी कर रहे थे। बार बार हम इनका जो है हमसे इनसे वार्तालाप भी होती थी और उसमें क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहता था और उस सिलसिले में एक आज ऐसा समय भी आ गया कि इनका ग्रुप डी में जो है चयन हो गया और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे संस्था बारे में और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से इन्होंने तैयारी किया है वो अपने शुरू से बताएं और जिससे हमारे जो और बच्चे हैं उनको भी लाभ मिल सके। लीजिए नीरज जी। हाँ, अभी जो है धन्यवाद सर। सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना पूर्ण परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम नीरज कुमार तिवारी है। मैं यहाँ चीनी मिल के पास एक छोटा सा गांव है खगई जोत, वहीं का रहने वाला हूँ। मैं 2018 का ग्रेजुएट हूँ, एमएलकेपीजी कॉलेज से बीएससी कर रखा है और 2020-22 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। मैं अपना शुरुआती तैयारी 2018 में बीएससी करने के बाद में शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं 1-1.5 साल मैं इलाहाबाद में अपना समय दिया। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना काल आ गया, उसमें पढ़ाई अस्त व्यस्त हो गई, तो मैं भी वहाँ से फिर भाग के अपने गाँव आया बलरामपुर। बलरामपुर में मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि कौटिल्य बलरामपुर नाम से एक अच्छा संस्थान है जो कि वन डे और सिविल जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। उसी समय 2022 में लगभग जून 2022 में यहाँ पे कौटिल्य बलरामपुर लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले मैं यहाँ लाइब्रेरी को जून 2022 में ही ज्वाइन किया। तब से लगातार मैं अभी तक आज दिनांक 7 जुलाई 2023 है लगभग इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कौटिल्य बलरामपुर लाइब्रेरी के प्रति लगभग 1.5 सालों से है, लगभग 1.25 सालों से है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इतने दिनों तक। यहाँ के जो अध्यापक हैं बीरेन सर, आदरणीय शांतनु मिश्रा सर और जो स्टाफ लोग हैं सुमित भैया, सौम्य चित्रांशी मैम और दीपक भैया का भी व्यवहार इस संस्थान में काफ़ी अच्छा रहा। सभी बच्चों के प्रति लोग काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं। ये संस्थान सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है, जो यूपीपी हो चाहे एसएससी जीडी हो, रेलवे आदि भर्तियों में बहुत सारा सिलेक्शन दे रखा है। जब से मैं यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ जून 2022, उसके बाद में मैं यहाँ से पढ़ते हुए कई सारी परीक्षाएं दिया हूँ और उसका परिणाम लगभग अच्छा ही रहा है। जैसे मैंने यहाँ से ही अपने एनटीपीसी मेंस का तैयारी किया जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, संयोग बस मैं उसमें टाइपिंग से बाहर हो गया। उसके बाद मैं पीईटी 2021 में मेरा लगभग 82 मार्क्स रहा है, पेट 2022 वाले में लगभग 77 मार्क्स रहा है तथा इसमें जो ग्रुप डी में अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है इसकी पूरी तैयारी मैं इसी संस्थान में इसी लाइब्रेरी के रूम में बैठ के किया हूँ। इसीलिए मैं यहाँ इस संस्था के सभी अध्यापकों सौम्य चित्रांशी मैम, दीपक भैया, सुमित भैया और जितने भी अध्यापकगण यहाँ से जुड़े हुए हैं सारे फैकल्टी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद कौटिल्य बलरामपुर। अभी हमने नीरज तिवारी जी से जो है बातें की और बातें सुनी। कहा भी जाता है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। परीक्षाएं सफलता असफलता तो ये लगा ही रहता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि खुद ही को करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। और नीरज जी ने वो करके दिखाया है कि मैं अभी जो है एक स्टेप सीढ़ी चढ़ा हूँ, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। मेरे कोचिंग की तरफ से, मेरे समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और हृदय से आभार। धन्यवाद।